हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज एक क्वेश्चन हमेशा अराइज होता है कि हम कब एंट्री करें एक पर्टिकुलर शेयर में, हम पर्टिकुलर शेयर को कब खरीदें। ओके, उससे रिलेटेड बातें करेंगे, हम जानेंगे कि कब हमें एंट्री लेनी है, ओके, और कब हमें एग्जिट लेना है, उससे रिलेटेड अलग वीडियो। बट ये एंट्री से रिलेटेड एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, उसमें मैं आपको कुछ अपनी बातें रखूँगा और भी कुछ आप अपनी तरफ से ऐड ऑन कर सकते हैं, ओके, आपकी समझ के अपने एक्सपर्टीज़ के हिसाब से। बट जो मुझे लगता है उसके हिसाब से मैं आपको बताऊँगा। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट बिफोर दैट, हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि हम अपने इस चैनल को बहुत आगे तक ग्रो कर सकें। एज वेल एज़ नीचे दो लिंक दे रखे हैं, एक फ्री में आपका डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए किससे रिलेटेड, एंजल ब्रोकिंग में, जो कि जीरो डिलीवरी चार्जेस, सेबी रजिस्टर, जीरो ब्रोकरेज फॉर 30 डेज़ अगर आप खरीदते हैं, और ये फ्री में मार्जिन ट्रेडिंग अकाउंट है, ओके। एज वेल एज एक और लिंक है यहाँ पर, श्री राम जी का अयोध्या में मंदिर बनने जा रहा है, अगर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो अपनी इच्छा अनुसार इस पुण्य काम में मदद कर सकते हैं और मंदिर बनाने में सहयोग कर सकते हैं। तो कुछ भी अपनी इच्छा अनुसार आप वहाँ पर डोनेट कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ों से दिखाना चाहता हूँ, सबसे पहले दिखाना चाहता हूँ ये है FIIs और DIIs का डेटा, ओके। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि कितनी खरीदारी हो रही है, मार्केट में क्या चल रहा है एग्जैक्टली, उस सब के बारे में हमें नॉलेज मिलती है। तो एक बार अगर हम यहाँ पर देखते हैं, तो अगर ये मंथ का डाटा है, ये 11 से लेकर 19 फरवरी का जो मार्केट में सेशन हुआ है उससे रिलेटेड आता है, और भी डेटा है बट यहाँ पर हम थोड़ा सा ही देखते हैं। तो अगर हम लास्ट टाइम का भी देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये सभी दिन, एक दिन को छोड़ के सभी दिन यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स खरीदारी कर रहे हैं, और DIIs कंटिन्यूसली उतनी ही क्वांटिटी में बेचे जा रहे हैं। और अगर हम यहाँ पर देखते हैं पिछले दो सेशन से, तो दो सेशन से 18-19 अगर तारीख को हम देखते हैं, तो 18-19 तारीख से यहाँ पर बेचते हुए नज़र आ रहे हैं हमारे फॉरेन इन्वेस्टर, बहुत थोड़े से ही खरीदारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर पहले थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में खरीदारी कर रहे थे, यहाँ पर अब हंड्रेड्स ऑफ करोड्स में यहाँ पर खरीदारी करते हुए, और जो कि घटती हुई हमें नज़र आ रही है। तो थोड़ा सा इस चीज़ पर भी ध्यान देना है, ओके, पता चले हम जहाँ हम ट्रैप हो जाए और हम ज़्यादा क्वान्टिटी पे ऊपर लेवल पर खरीद लें, और ताकि हमें बाद में फिर नुकसान होता हुआ नज़र आए। इसके अलावा एक और डेटा होता है यहाँ पर पी रेशो का, अगर हम यहाँ पर पी रेशो देखते हैं मार्केट की, तो पी रेशो कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर अभी फिलहाल का 19 तारीख का पी रेशो देखते हैं, तो लगभग 40 और 41 के आसपास पी रेशो दिखाई दे रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, पिछले 8 कुछ दिनों से कम होता हुआ नज़र आ रहा है, बट स्टिल ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट आज से पहले, मतलब इस सालों से पहले, ये बुल रैली से पहले कभी भी 30+ नहीं गया, क्योंकि 30+ जाने पर मानते हैं कि मार्केट बहुत ज़्यादा खतरे में है, एक तरीके का ऐसा रीज़न होता है। बट जिस तरीके से डेवलपमेंट हमारे इंडिया में हो रही है, तो हमें लगता है कि मार्केट और ऊपर जाएगा ही जाएगा, नो डाउट, और ये पी रेशो अभी कुछ टाइम तक ऐसे ही रहने वाला है। बट स्टिल हम अपन थोड़ा प्रिकॉशन लेके चलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें कब खरीदना है। तो देखिए, जब इस तरीके का मार्केट होता है जहाँ पर अनिश्चितता होती है, जहाँ पर मार्केट हमेशा टॉप पर बैठा रहता है, और हमें लगता है कि मार्केट और भी ऊपर जा रहा है और ऊपर जा रहा है, और हम वहाँ पर खरीदते नहीं हैं बस इसी डर से कि हमारा ये मार्केट ओवर वैल्यूड हो गया है, हमारे शेयर्स ओवर वैल्यूड हो गया है। तो देखिए, सबसे पहले शेयर को चुनना, यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक होना बहुत ज़रूरी है, हमें ऐसे शेयर को चुनना है, हमें ऐसे पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड बातें करनी है, हमें ऐसे शेयरों को अपने पोर्टफोलियो में रखना है जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग हो, डेट फ्री हो, और जो हमें अगर कल की डेट में नीचे भी आते हैं, जैसे कि मार्केट अगर हम देखें कि बीच में नीचे चला गया था, अगर इस तरीके से नीचे भी आते हैं तो हमें वो अच्छा प्रॉफिट देते हुए ही नज़र आए। क्योंकि अगर कल की डेट में 2000 का शेयर 1800 पे आता है, 1900 पे आता है, 1700 पे आता है, तो वो इतनी काबिलियत रखे कि वो आगे की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ जाए। तो इसी चीज़ को ध्यान में रख के हमें शेयर खरीदने हैं। और इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स होते हैं, तो उससे भी रिलेटेड हम बातें करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ पर्टिकुलर चीज़ेस। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, ओके, हम ये पर्टिकुलर शेयर है हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड, तो हम देखेंगे कि ये शेयर को हमें अभी खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे। तो सबसे पहले होता है RSI, यहाँ पर देखिए RSI आपको देखता हुआ नज़र आएगा। अगर हम इस शेयर की RSI देखते हैं तो 87, और RSI होता क्या है, तो इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि RSI होता क्या है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, एक में होल्ड करिएगा।
RSI देखिए, यहाँ पर देखिए ये RSI होता है रिलेटिवली स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि हमारा जो पर्टिकुलर स्टॉक है वो एवर ओवर वैल्यूड है या क्या कहते हैं ओवर अंडर वैल्यूड है। तो इससे क्या कैसे पता चलेगा, तो देखिए RSI अगर 70 या उससे ऊपर जाता है तो हम समझते हैं कि मार्केट है या पर्टिकुलर शेयर है ओवरबोट या ओवर वैल्यूड है। एज वेल एज अगर हम देखते हैं कि RSI 30 के नीचे है, ओके 30 या 30 के नीचे है, तो उसमें अंडर वैल्यूड या ओवरसोल्ड दिखाई देता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हमारा RSI 30 या उससे नीचे है ना, एक पर्टिकुलर फंडामेंटली स्टॉक की बात कर रहा हूँ मैं, ओके किसी भी शेयर को उठा मत लेना, क्योंकि अच्छे शेयर को लोगे और उसके हिसाब से देखोगे ना तो आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। अगर आप देखते हैं कि 30 के नीचे या 30 के आसपास चल रहा है और 30 और 70 के बीच में चल रहा है और शेयर जो है फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है और आप उसमें ले लेते हैं, तो जितने 30 या उससे नीचे आप लेंगे ना, तो उसमें क्या रहेगा, आपको जो रिस्क होगा ना वो रिस्क कम हो जाएगा और आपका रिवॉर्ड ज़्यादा हो जाएगा। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो का इस तरीके से एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा और आपको पता चलेगा कि ये आपको फ्यूचर में आने वाले टाइम में अच्छा खासा प्रॉफिट होता हुआ नज़र आएगा। और ये 70 से ऊपर चला गया तो थोड़ा सा समझ जाना कि ओवर वैल्यूड हो गया, ओवर वेट हो गया है, ओके यहाँ पर आपको शेयर थोड़ा खतरे में होगा, तो वहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की वो रहनी चाहिए। ओके तो अगर हम बात करते हैं एक पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड, तो पर्टिकुलर शेयर होता है ना, तो ये है हिंदुस्तान फूड्स। तो इसका RSI जैसे कि मैं आपको बता रहा था 87 चल रहा है, तो मैंने क्या बताया था कि 70 से ऊपर जाता है तो थोड़ा सा हमें प्रिकॉशन हो जाना चाहिए। देखिए हम इस शेयर को बेचेंगे नहीं, क्यों नहीं बेचेंगे, क्योंकि ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है और हमें एंट्री करनी चाहिए या नहीं, तो देखिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर तो है ही है। और ये शेयर जब मैंने आपको बताया था, ये शेयर मैंने 900 के आसपास बताया था और मैंने आपको बताया था कि ये शेयर काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और उस टाइम इसका जो RSI चल रहा था 48 के आसपास चल रहा था, ओके तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो थोड़ा फेवरेबल था। और मैंने आपको इसलिए ही बताया था कि ये शेयर के जो फंडामेंटल्स, इसके क्लाइंट्स, इसका जो काम करने का तरीका है, इसके फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हैं और स्टिल अभी भी इसके फाइनेंशियल अच्छे हैं, बट ये ओवरवेट जोन पे है मार्केट। जिस दिन भी गिरेगा, तो ये शेयर स्मॉल कैप कंपनी का है तो इसमें हिलचल भी ज़्यादा होती है, तो ये अगर गिरेगा तो ये गिरता हुआ भी काफ़ी तेज नज़र आएगा। बट स्टिल इसमें अगर आपको खरीदारी करनी है तो कैसे कर सकते हैं, देखिए आपके पास अगर 10 शेयर लेने की क्षमता है ना, तो केवल एक शेयर लीजिए, क्योंकि मार्केट बहुत हाई है। तो एक शेयर में क्या होगा कि अगर ऊपर जा रहा है तो आपको तसल्ली रहेगी, चलो आपके पोर्टफोलियो में, अगर नीचे आता है तो आप उस क्वांटिटी को और उठा सकते हैं। तो इस स्ट्रैटेजी को कहते हैं बाय ऑन डिप्स स्ट्रैटेजी। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि सिंपल आपने एक पर्टिकुलर शेयर ले रखा है, ओके आपको आपने ज़्यादा नहीं लेना, आपने पूरा फुल्ली इन्वेस्ट नहीं होना, आपको बस इतने ये पर्टिकुलर शेयर को खरीदना भी है और आपको ज़्यादा क्वांटिटी लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी क्वांटिटी उठाई, अगर मार्केट कल को ऊपर जाता है तो एक शेयर में आपको प्रॉफिट हो जाएगा, मार्केट नीचे आता है ओके आप एक जैसे कि 2000 का शेयर है 1900 पे आ गया तो आपने एक क्वांटिटी उठा ली, 1800 पे आ गया तो एक क्वांटिटी उठा ली, और 1700 पे आ गया तो एक क्वांटिटी उठा ली, ओके। तो इस तरीके से अगर मार्केट गिरता हुआ में नज़र आता है तो ये शेयर को आप एक्युमुलेट कर सकते हो, और इससे क्या होगा कि आपके पोर्टफोलियो में शेयर बढ़ते रहेंगे। अगर नीचे आता है और ऊपर बढ़ रहा है तो आपके शेयर है ही है, और आपको मार्केट ना हमेशा डिप देता हुआ नज़र आएगा, आपको मार्केट हमेशा चांसेस देता हुआ नज़र आएगा। तो इसलिए कभी मत सोचना कि मार्केट आपको चांस दे ही नहीं सकता। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर वीडियो बनाई थी, यहाँ पर देखिए ऊपर शेयर भागा था, फिर उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी फिर दोबारा मिली, ओके ये शेयर लगभग 900 कुछ रुपए तक दोबारा आया था, आपको बताऊँ तो मैंने मैंने ये शेयर यहाँ पर नहीं खरीदा था, मैंने आपको बताया जरूर यहाँ पर था, बट उसी दिन यहाँ पर ये शेयर भाग गया था, ओके कंटिन्यूसली भागता रहा, बट उसके बाद यहाँ पर शेयर दोबारा मेरे को मौका मिला और मुझे पता था ये शेयर भागेगा, तो मैंने यहाँ पर खरीदा और यहाँ पर देखिए आज की रेट में मैंने अपने पोर्टफोलियो में रख रखा है और अच्छा खासे रिटर्न इसे मिल रहे। तो ऐसे ही शेयर हमें चुनना है, अगर ये हिंदुस्तान फूड से रिलेटेड अगर आप एक पर्टिकुलर शेयर खरीदना चाहते हैं तो बाय ऑन डिप्स करके खरीदना, एक साथ पैसा मत लगा देना, क्योंकि ये शेयर में देखिए ये यहाँ पर गया फिर इसके बाद नीचे आया फिर भाग गए, तो इसमें हलचल बहुत ज़्यादा रहती है। तो थोड़ा सा ध्यान रख के, प्रिकॉशन लेके और RSI को ध्यान में रख के इस तरीके से आप देखोगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स में आपको बताता हूँ कि इन शेयर में आप अभी खरीद सकते हैं कब, ओके और फंडामेंटल स्ट्रांग है और आपके पोर्टफोलियो में रखोगे ना आप थोड़े टाइम के लिए, तो आपको 10 से 20% का प्रॉफिट तो विद इन 2 और 3 मंथ्स में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं, 2 3 मंथ्स की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि हो ही जाएगा, बट टाइम भी लग सकता है, बट प्रॉफिट होगा डेफिनेटली। देखिए यहाँ पर हिंदुस्तान यूनिलीवर है, अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए ये
200 DMA के नीचे है, मतलब 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है। सबसे पहली बात, अगर 200 DMA के नीचे होता है ना शेयर, तो मतलब उसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा होता है, ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। और प्लस में इसका जो RSI है 38.10 है, जो कि यहाँ पर आपको नज़र आएगा, यहाँ पर आप देखते हैं तो 38 के आसपास का RSI चल रहा है। तो दोनों मामले में शेयर काफ़ी अच्छा है, तो इसे अपने पोर्टफोलियो में जगह दे दो। आपको ये शेयर आने वाले टाइम में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न देता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर से ही ये, यहाँ पर देखेंगे ना, यहीं से ही ये जंप लेता हुआ हमें हमेशा नज़र आया है। तो अगली, और यहाँ पर कहाँ तक गया था, 2600 2400, यहाँ तक पर आ जाए दोबारा बेच के निकल जाना या फिर थोड़ा सा और वेट करना। और ये वैसे भी अब हमेशा के लिए भी रखेंगे तो ये शेयर काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा और अगर शेयर की बात करूँ तो ये शेयर एक और है, यहाँ पर देख लीजिए, ये डिविस लैब, 39 का इसका RSI चल रहा है। अगर इसकी बात करें हम यहाँ पर, तो 3500 के आसपास ये शेयर है, और ये 200 डे मूविंग एवरेज के तो ऊपर है, बट यहाँ पर ये 50 DMA के ये नीचे चल रहा है। अगर बात की जाए 20 के नीचे चल रहा है, और RSI काफ़ी फेवरेबल है, तो इस शेयर की तरफ भी नज़रें बना सकते हैं। और बाय ऑन डिप्स करने का मौका मिले तो यहाँ पर भी आप इसे ले सकते हैं। इसके अलावा एक और शेयर की बात करेंगे तो ये शेयर कौन सा, ये है इपका लेबोरेटरी। तो ये दोनों कंडीशन में फेवरेबल है, 33 तो इसका RSI है। एज वेल एज बात करें इसके, अगर 200 DMA के नीचे चल रहा है शेयर, तो इसकी तरफ भी नज़रें बना सकते हैं, और ये फ्यूचर में आपको अच्छा खासा रिटर्न देते हुए मिल सकता है। और थोड़ा और नीचे गिरे तो बाय ऑन डिप्स करना है, और एक साथ सारी क्वांटिटी नहीं लेनी है कि हमारे पास 100 रुपये है हमने 100 रुपये लगा दिए, नहीं, आपके पास 100 रुपये है 10 रुपये लगा दो, 5 रुपये लगा दो, और मौका मिले फिर दोबारा खरीदो, अगर इस तरीके के आपको मौका मिलेगा तो। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर और ब्रिटानिया, एक ब्रिटानिया शेयर, ये तो सबसे बेहतरीन मुझे अभी नज़र आ रहा है, 27 का इसका RSI चल रहा है और 200 DMA के नीचे चल रहा है। तो मतलब आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है इस शेयर में, इसके फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, और इसने फ्यूचर में लोगों को काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हो, तो अच्छा खासा प्रॉफिट होता हुआ नज़र आएगा। एज वेल एज अगर बात की जाए एक और शेयर, मारिको। मारिको देखिए यहाँ पर ओवरबोर्ड जोन में दिखाई दे रहा है, बट इसका RSI अच्छा है। ये न्यूज़ के बेस पे, इसके में एक से बढ़कर एक न्यूज़ आ रही है, जो कि मैंने और भी ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, कल परसों ही बनाई थी, तो इस वीडियो को भी जाके देख लीजिएगा, दो तीन इसके पर्टिकुलर न्यूज़ आ रही है। तो ये शेयर आपको और भागता हुआ अभी फिलहाल में नज़र आ सकता है, ओके। और बट ये स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाला शेयर है, तो इसे हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत बेहतरीन रिटर्न देता हुआ आपको नज़र आएगा। पोर्टफोलियो में बाय ऑन डिप्स करके खरीद सकते हैं। एज वेल एज बात की जाए पेट्रोनेस LNG की, तो देखिए यहाँ पर ये शेयर देखिए 200 DMA एज वेल एज RSI के नीचे था, ओके, 43 का RSI था, बट स्टिल देखिए भाग गया यहाँ पर, ये यहाँ पर सपोर्ट जोन लेता है और यहाँ की तरफ भागता हुआ नज़र आता है। तो इस शेयर की तरफ भी आप नज़रें बना सकते हैं। एज वेल एज बात की जाए इन्फो एज, देखिए इन्फो एज ओवरबॉट जोन में चल रहा है। अगर हम यहाँ पर बात की जाए, ये भी इसका RSI तो देखिए फेवरेबल है, 30 और 70 के बीच में है, ओके, बट बहुत ज़्यादा ये भाग रहा है, क्योंकि इसमें कुछ पर्टिकुलर न्यूज़ आने वाली है। मैं हर बार इसके बार बार इसमें वीडियो बना रहा हूँ जब भी ये नीचे जा रहा है, और कह रहा हूँ कि इसे खरीदिए, कि इसके पीछे रीज़न है कि इसके 2 IPO आने वाले हैं, जोमेटो और पॉलिसी बाजार का। तो जब जब ये शेयर, अगर कोई भी एक पर्टिकुलर शेयर अगर मार्केट में लिस्ट होते हुए हमें दिखाई दिया, IPO आते हुए दिखाई दिया, तो ये शेयर 10,000 के जर्नी को बहुत जल्दी क्रॉस कर लेगा, क्योंकि काफ़ी बेहतरीन ये कंपनी हुई है, फंडामेंटली स्ट्रांग भी है, डेट फ्री भी है, लगभग लगभग वर्चुअल डेट फ्री है, तो इसलिए थोड़ा सा इसकी तरफ भी ध्यान दे सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन शेयर है ये, मैंने हमेशा इसके ऊपर वीडियो बनाई है। इसके अलावा और भी बहुत सारे शेयर है टेक्नोलॉजी से, अगर इसका RSI देखें तो 50 का RSI चल रहा है, ये शेयर भी काफ़ी अच्छा है। और ये जो ये ऐसे स्टॉक होते हैं ना, तो ये इनका RSI ये इसी रेंज में चलता है, ये ओवरबॉट जोन में ही चलते हैं, ओके, ओवरबॉट, क्योंकि इन ये शेयरों को आगे भागना ही है, हमें सबको पता ही है। इसके अलावा SCL की बात करें, SCL का भी सेम ही इस कंडीशन है, 48 का RSI है, ये भी शेयर देखिए आपको बहुत जल्दी भागता हुआ नज़र आएगा। इसके अलावा और बात करें हम यहाँ पर, तो यहाँ पर हिंदुस्तान यूनिलीवर की ऑलरेडी हम बातें कर चुके हैं, और भी बहुत सारे शेयर हैं जो कि आप खरीद सकते हैं। तो सिंपली अगर हम सिंपल स्ट्रेटेजी रखें ना, तो एक तो RSI देख लीजिए, 30 और 70 के, अगर 30 के नीचे मिल रहा है तो और अच्छा है, और दूसरी बार फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर हो तो अपने उसमें रखिए अपने पोर्टफोलियो में। एज वेल एज अगर बात की जाए ये अगर कब हमें खरीदना, जैसे कि मैंने बताया था हिंदुस्तान फूड्स, ये ओवरबॉट जोन में चल रहा है, बहुत ऊपर भाग चुका है, 87 इसका RSI चल रहा है। मैं सजेस्ट नहीं कर रहा, बट अगर किसी को एंट्री लेनी है ले सकता है, क्योंकि ये शेयर और भी ऊपर जा सकता है, बट और ये नीचे भी आ सकता है, क्योंकि ये स्मॉल कैप कंपनी है, इसमें वॉलीटिलिटी बहुत ज़्यादा है और RSI तो ज़्यादा है ही है। और इसमें जब भी खरीदना है तो इसमें किस तरीके से खरीदना है, बाय ऑन डिप्स करके खरीदना, इसे बाय ऑन डिप्स करके खरीदोगे
तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता हुआ हमें नज़र आएगा। तो इन चीज सभी चीज़ों के बारे में अगर आप ध्यान दोगे ना, और यहाँ पर निफ्टी फिफ्टी के बहुत सारे पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं, इनकी तरफ आप ध्यान दोगे तो आपको प्रॉफिट होता हुआ फ्यूचर में मिल ही जाएगा। तो आप इस चीज़ से बिल्कुल भी ना घबराएं, यहाँ पर बहुत सारे मार्केट में शेयर है लिस्टेड है, एज वेल एज बहुत सारी आपको अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में भी मिलती रहेगी। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी खो गई है ऐसा बिल्कुल मत सोचो, बस पढ़ते रहिए, बुक पढ़िए, ये पढ़िए, वो पढ़िए, जहाँ से स्टडी आज मिले आपको वो करिए, और आपको ये सारे आपको अगर एक अपॉर्चुनिटी हिंदुस्तान फूड्स में निकल गई तो दूसरा हिंदुस्तान फूड्स कहीं ना कहीं खड़ा होगा जो वेट कर रहा होगा। तो इसलिए बायोन डिप्स खरीद करिए, आरएसआई का ध्यान रखिए, ओके, RSI 30 के नीचे मिलता है, जैसे कि ब्रिटानिया, इपका, डिवेस, एज वेल एज अगर बात की जाए एचयूएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सभी शेयर में आपको RSI बड़ा फेवरेबल है, तो आप इसमें खरीद सकते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट होता हुआ आपको नज़र आएगा। तो इसी चीज़ का ध्यान रखिए, और कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछ लीजिए, आपकी खुद की स्टडी भी करिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए, और हमारे इस चैनल को ग्रो करने में ज़्यादा से ज़्यादा मदद करिए, सपोर्ट करिए, ताकि हम इस चैनल को और भी ज़्यादा ऊपर ले जा सके। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।